नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास गतिविधियों पर। जैन मिलन संस्था द्वारा किया गया वृक्षारोपण कार्य। आज जिला चिकित्सालय प्रांगण में गुना जैन मिलन संस्था द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह वृक्षारोपण वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ कार्यक्रम के तहत किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन एसपी जैन सहित जैन मिलन संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कभी नहीं याद हो कैमरे का, हमने वजह से ले ले अब वो एक अलग बात है, कभी गलती से आ गए वो सामने, अब वो दबा रहता हूँ हमेशा, मतलब नहीं है यार। बैठ जाओ, उनको देखने दो थोड़ा सा। चैनल पे भी दे देंगे अपन, वीडियो बना लूँ। पर्यावरण संबंध संरक्षण के लिए जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हाँ, तो मैं आज कॉल कर दूंगा। अच्छा, हमारे आदरणीय एसपी जैन साहब, डॉक्टर साहब, सिविल सर्जन जो हैं और दिवाकर साहब, डॉक्टर राठौर साहब, ये सबके मार्गदर्शन में आज जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करो। अलग अलग तरह के वृक्षारोपण, कौन सा ग्रुप है आपका? ये नगर जैन मिलन सेवा भावी संस्था है। ये स्वास्थ्य शिविर भी लगाती है और ये वृक्षारोपण का कार्य भी मतलब जो समय समय पर करती है। आज जो है NRC में बच्चों को, कुपोषित बच्चे जो हैं उनको खिलौना वितरण भी कराया गया और वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया, जो सब डॉक्टर एसपी जैन के मार्गदर्शन में हुआ है। जैन मिलन द्वारा जिला अस्पताल में जो NRC है एवं कैंपस में वृक्षारोपण किया है, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। इससे अस्पताल में हरी भरी रहेगी अस्पताल और अस्पताल के अंदर साफ सफाई भी इससे मेंटेन रहेगी और इनसे लोगों ने सहयोग किया है अस्पताल के लिए, इसके लिए हम इनको धन्यवाद। ये कौन सी संस्था से? ये नगर जैन मिलन से। अच्छा, तो NRC में भी कुछ है? NRC में इन्होंने खिलौने भी दिए हैं और कुछ बिस्किट वगैरह बांटे हैं बच्चों के लिए और आगे भी इन लोगों का कहना है कि हम कार्य करते हैं। पच्चीस साल से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार चढ़ ही गया पुलिस के हत्थे। आज सिटी कोतवाली पुलिस ने बूढ़े बालाजी क्षेत्र से आरोपी अलाउद्दीन को पकड़ा है, जो कि पिछले 25 सालों से फरार बताया जा रहा है। गौरतलब है कि उक्त आरोपी पर धारा 307 सहित अन्य कई धाराओं में भी मामले दर्ज हैं। आज इस आरोपी को प्रधान आरक्षक प्रदीप व नगर सैनिक ने गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली जिला गुना का ये पूर्व का HS है अलाउद्दीन तपोजी, इसको गिरफ्तार किया है। ये 25 साल से फरार चल रहा था, इस पर 4-5 वारंटे स्थाई, उसमें आज ये बूढ़े बालाजी से प्रधान आरक्षक प्रदीप शर्मा और हमारा सैनिक ने दोनों ने मुखबिरी लगाकर इसको गिरफ्तार किया। सर, किस मामले में? ये कुछ 307 में भी था, 25 में भी है, 25 बी में है और कई प्रकरणों में ये वॉन्टेड है। रोटरी क्लब गुना एवं सतगुरु चिकित्सालय लटेरी के द्वारा किया गया नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। उक्त नेत्र शिविर का आयोजन रोटरी क्लब एवं सतगुरु चिकित्सालय लटेरी के संयुक्त तत्वावधान में आज यहां पर किया गया। इस नेत्र शिविर में लगभग 195 नेत्र रोगियों की जांच की गई, जबकि 43 नेत्र से रोगी पीड़ित यहाँ पर चिन्हित किए गए, जिनका ऑपरेशन सतगुरु नेत्र चिकित्सालय लटेरी में निःशुल्क किया जाएगा। एक मिनट भैया, सामने आज
आज रोटरी क्लब गुना की तरफ से सदगुरु निःशुल्क सदगुरु नेत्र चिकित्सालय लटेरी के सहयोग से ये कैंप आयोजित किया गया है और इस कैंप में अभी तक जो है 195 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और 195 मरीजों के रिपोर्ट होने के बाद अभी भी लगातार मरीज चले आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन चालू है और डॉक्टर्स जो चेक कर रहे हैं उसमें अभी तक 45 से अधिक मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है। इन मरीजों को यहाँ से सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के वाहन के द्वारा लटेरी भेजा जाएगा जहाँ पर इनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद वापस इनको जो है यहीं पर छोड़ा जाएगा और ये पूरा निःशुल्क कार्यक्रम है और जन सेवा के लिए ये काम किया जा रहा है। अभी तक जो निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर के आयोजन चल रहा है उसमें लगभग 195 मरीजों की ओपीडी हो चुकी है जिसमें मोतियाबिंद के लगभग 45 मरीजों को चिन्हित किया गया है जो अभी सदगुरु सेवा सदन लैटेरी के लिए भेजे जाएंगे और अभी ये क्रम अभी चालू है और आगे और मरीजों की बढ़ने की संभावना है। ये रोटरी क्लब गुना की ओर से निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की मदद को आए स्कूली छात्र। आज हनुमान चौराहे पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के स्थान पर स्कूली छात्रों ने ट्रैफिक व्यवस्थाएं संभाल रखी थी। छात्रों द्वारा वाहन चालकों को सिग्नल पर रोका जा रहा था, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी जा रही थी कि कब उन्हें रुकना है और कब आगे बढ़ना है। छात्रों द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना ट्रैफिक SI मोनिका जैन द्वारा भी की गई। निकलने वाला था इसलिए इसको रोक लिया है और इसका 119/177 में 500 रुपये की रसीद कटेगी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की। समाज सेवी ON शर्मा की जीवन संरक्षण यात्रा का म्याना मंडल आज पूर्ण हुआ। आज म्याना में जीवन संरक्षण यात्रा के मंडल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी ON शर्मा ने बताया कि म्याना मंडल के अंतर्गत उन्होंने 25 पंचायतों के लगभग 74 गांवों में यह यात्रा निकाली, साथ ही लोगों से जीवन संरक्षण पत्र भी भरवाए गए। वहीं उन्होंने बताया कि इस यात्रा को आगे भी जारी रखा जाएगा। आदरणीय गोयल जी, सम्मानीय दादा हमारे यादव साहब जी एवं स्वयं सब ग्राम आज में समझ भी है, कुछ लोग उस विषय को नहीं समझ पाते, कुछ और परिस्थिति में समझते हैं सब चीजों को, पर वो बालक और युवा और यात्रा में चल रहे लोग हमारे वरिष्ठ उन सब चीजों से निमटते हुए उनके सामने किबले की बात रखते हैं कि आप श्रीनाथ गौशाला और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्रीनाथ गौशाला अभिधाम भजनगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में जो यात्रा जीवन संरक्षण यात्रा चल रही है इसका अभी आज म्याना जो मंडल 23 पंचायत
आज इस केंद्र के माध्यम से पूर्ण तरह वितरित हो चुके हैं। जितने 74 मिले गांव थे 74, उनमें कितने संकल्प पत्र भरे गए थे और आज के स्थान पर भी जिन्होंने संकल्प लिए उन सबको भी पेड़ आज पूरा वितरित हो गए कि 74 गाँव का संकल्प पूरा हो जाएगा। ये अप्रैल प्रतिदिन वितरण का काम भी साथ में चल रहा है। जीवन संरक्षण यात्रा संकल्प वाला पत्र भी प्रतिदिन चल रहा है। 10 सितंबर तक चलेगी यात्रा। 14 तारीख का विधिवत समापन होगा। थोड़ा जो स्थान है फतेहगढ़ रोड पे वहाँ अभी 500 गांव में जैसे 280 गांव का तो यात्रा संकल्प हो चुकी है। अब 220 गांव बचे, वो बचे हैं, वो 10 तारीख तक पूर्ण हो जाएंगे और जो बटने का काम है 74 गांव में हो चुका है, बाकी शेष गांव में। इस यात्रा से मेरे को ये महसूस हो रहा है कि समाज में आज लोगों को जागरूकता हुआ है कि उसको कहीं पता लगा है कि 100% के पानी की बहुत सारी समस्या हो गई है और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, पेड़ को बचाना। ऐसी स्थिति में हर काफ़ी जितना हमको उम्मीद नहीं थी कि गाँव में इतना लोगों को उत्साह हो और खासकर युवा और महिलाएँ और बच्चे सभी इससे बहुत अच्छी बात है जुड़ रहा। मधुसूदनगढ़ के खामखेड़ा के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। उक्त श्रद्धालु हर वर्ष सावन के महीने में खामखेड़ा जाते हैं। इन श्रद्धालुओं की हौसला अफजाई के लिए जिला पंचायत सदस्य भगवती देवी यादव व डॉक्टर मथुरालाल यादव ने इनका स्वागत किया, साथ ही इन्हें आगे के लिए रवाना भी किया। वहीं समाजसेवी खेमराज नेगी द्वारा भी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। बेटा न्यूज तो डलेगी ना, बजरंग बली की, बजरंग बली की, अयोध्या नाथ की, वृंदावन धर्मराज की, अच्छा लगभग इसमें कितने लोग शामिल है और कहाँ से जा रही है? कम से कम 300 बाजू सीतनगढ़ से प्रस्थान काम के लिए जा रहा है। अच्छा मधुसूदनगढ़ से? हाँ मधुसूदनगढ़ 5 वर्षों से और सभी लोग अपने अपने भगवान सावन का जो महा चल रहा है उसमें पूजा पाठ नित्य करने निमित्त होकर काम करा के लिए आशा करते हैं। ये 6 वर्ष है और मैं भी सहभागी करता हूँ। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।